कराची में गर्मी का 38 साल रिकॉर्ड टूट गया। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में कहीं धूप कहीं मतलब रालूद। क्लिफ्टन बल्दिया सदर कोरंगी डिफेंस में बारिश। थरपारकर में बादल बरसने से लोगों के चेहरे खिल उठे। कराची में बिजली महंगी करने के फैसले पर आवाम का पारा हाई। हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली आई नहीं तो महंगी क्यों की जा रही है। हुकूमत आवाम से सांस लेने का हक भी छीनना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में एनसीबीडी अस्पताल का दौरा। असीर रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना वायरस अफसूद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लॉजर बेंच 21 जुलाई को केस सुनेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स, सेक्रेटरी दाखला, पीआईए हुकाम को नोटिस। वजीर आजम की एक बार फिर आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं पिछली ईद पर जो कुछ हुआ उसे ना दोहराएं। वायरस से बचाव के लिए एसओपी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है जहां भारत के मुकाबले में अमवात की शरह कम हो रही है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। सिंध में कोरोना के 14,027 मरीज सेहतियाब। आज मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 1,170 नए केस रजिस्टर्ड हुए। वजीर आला मुराद अली शाह का बयान। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे में पेशरफ। बसों की खरीदारी का अमल शुरू। 15 कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। टेंडर का मरहला सितंबर तक मुकम्मल होगा। जनवरी 2021 में बसों की आजमाइशी सर्विस शुरू होने का इम्कान। कराची हॉक्स बे पर दो अफराद समंदर में बह गए। ईडी के रेस्क्यू अहलकारों ने एक शख्स को बचा लिया। दूसरे की तलाश जारी।